हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, लेसन 10 एयर अराउंड अस इज कंटिन्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा दैट एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी। एयर हमारे चारों तरफ होती है बट हम एयर को देख नहीं सकते हैं। वी कैन फील एयर, हम एयर को केवल फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसके बारे में पढ़ा दैट स्टूडेंट्स, एयर की जो स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग एयर को हम अलग अलग नेम से जानते हैं। जस्ट लाइक व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रिज। जब एयर बिल्कुल जेंटली मतलब धीरे धीरे चलती है तब हम एयर को क्या बोलते हैं? ब्रिज। ओके, व्हेन एयर मूव्स फास्ट इट इज़ कॉल्ड विंड। जब एयर फास्ट चलती है तब हम एयर को क्या बोलते हैं? विंड। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हेन एयर मूव्स विद ग्रेट फोर्स। जब एयर बिल्कुल ग्रेट फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ चलती है इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। तब इसको स्टॉर्म बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। यह जो स्टॉर्म होता है वो एक हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड एक जो ट्री होता है उसको भी अपरूट कर सकता है। उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि स्टूडेंट उसको बोलते हैं स्टॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा दैट व्हाट इज़ एयर मेड ऑफ। एयर किससे बनती है? सो स्टूडेंट, एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। जो एयर है वह हमारी अर्थ को कवर करती है एक थिक ब्लैंकेट की तरह, एक मोटी ब्लैंकेट की तरह हमारी एयर को पूरी तरह से कवर करती है जिसको हम बोलते हैं एटमोसफेयर। इसको एटमोसफेयर बोलते हैं। स्टूडेंट, जो एयर होती है वो क्या है? गैसेस, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें अलग अलग तरह की गैसेस होती है। जस्ट कुछ कॉमन गैसेस है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसेस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती है जो एयर में मिक्स रहती है। सो एयर को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। नाउ स्टूडेंट, इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ एयर। हमारा आज का पॉइंट है यूजेस ऑफ एयर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। स्टूडेंट्स, सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग जो है उनको ब्रीथ लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की। ओके, ये तो सबको पता है। एंड लिव, और जिंदा रहने के लिए। विदाउट ब्रीथ, विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव। जब एयर नहीं होगी तब हम ब्रीथ नहीं ले सकते, एंड ब्रीथ नहीं ले सकते देन वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, सो टू लिव एंड टू टेक ब्रीथ वी नीड एयर, हमें एयर की ज़रूरत होती है। प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग इन फ्रेश एयर मेक्स अस हेल्दी। स्टूडेंट, फ्रेश एयर में प्लेइंग करना एंड एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो हमें क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है। ओके, प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को भी अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की। ओके, विदाउट एयर प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। बिना एयर के प्लांट्स भी अपना फूड नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। आपको पता है कि जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट एयर हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। ओके, इफ़ वी पुट अ बर्निंग कैंडल इनसाइड अ जार इट विल स्टॉप बर्निंग एज इट विल नॉट गेट द ऑक्सीजन सप्लाई। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो प्रैक्टिकल आप क्या करेंगे? इफ़ वी पुट अ बर्निंग कैंडल इनसाइड अ जार, अगर अब एक जलती हुई कैंडल को हम एक जार के अंदर रखते हैं इट विल स्टॉप बर्निंग एज इट विल नॉट गेट द ऑक्सीजन सप्लाई। सो जैसे ही इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? जो बर्निंग कैंडल है वो स्टॉप हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी। बिकॉज स्टूडेंट्स, जब हम कैंडल को जार में रखते हैं और फिर जार को हम जैसे ही ढक्कन से बंद करते हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो क्या हो जाती है? जार के अंदर बंद हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है वो जो बर्निंग कैंडल थी वो स्टॉप हो जाएगी, बर्निंग होना बंद हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बर्निंग है उसके लिए भी, बर्निंग के लिए हमें एयर की नीड होती है। ये प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स।
ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी वुड बी एबल टू लाइट अ फायर इफ देयर वाज नो एयर? क्या आप सोचते हैं बिना हवा के हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप जब ये प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बिना एयर के हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते. बर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर. ओके नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फीचर्स ऑफ एयर. एयर के कौन से फीचर्स होते हैं? देखिए, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. आपको पता है जो एयर होती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मींस जगह को घेरती है. ओके एंड इट हैज़ वेट. और एयर में भी वेट होता है. डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है? सो आगे देखिए, रिमेंबर व्हेन यू ब्लू इनटू द बैलून. स्टूडेंट्स, जब आप क्या करते हैं कि एक बैलून के अंदर हवा डालते हैं. रिमेंबर व्हेन यू ब्लू इनटू द एयर, जब आप हवा को बैलून के अंदर भरते हैं, द एयर फिल्ड द स्पेस इनसाइड इट. एयर क्या करती है? अपना स्थान बनाती है. जो बैलून के अंदर जितना भी स्थान होता है वो पूरा स्थान अपना बना लेती है, घेर लेती है बैलून के अंदर. इट ग्रू लार्ज. और जो बैलून होता है वो बड़ा होता जाता है. द बैलून ऑल्सो बिकम हैवियर. और जो बैलून होता है उसका वजन भी, उसका वेट भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, वो हैवी होता जाता है. एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल. जो एयर होती है वो क्या करती है, बैलून की जो वॉल्स होती है उसके ऊपर दबाव डालती है. एक्सर्ट का मतलब होता है दबाव बनाना. वो उसके ऊपर एक्सर्ट दबाव डालती जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो एयर होती है उसकी साइज़ क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है. लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू सी दिस हैपन. स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो एयर होती है वो क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस. एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड इट हैज़ वेट. और इसके अंदर वेट होता है. सो इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अब देख लीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है. मटेरियल्स क्या चाहिए आपको इसके लिए? ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, अ पेपर टॉल एंड अ टब फुल ऑफ वाटर. ये आपको मटेरियल चाहिए. अब देखिए मेथड, फोल्ड द पेपर टॉल एंड पुट इट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. आपको क्या करना है, आपको पेपर को, जो पेपर टॉल है उसको फोल्ड करना है और ग्लास के बॉटम में रखना है फर्मली. फर्मली का मीनिंग है अच्छे से, सो दैट इट डज नॉट फॉल व्हेन द ग्लास इज इन्वर्टेड. जब आप ग्लास को उल्टा करेंगे तो वो पेपर टॉल नीचे नहीं आ जाए, इसके लिए आपको अच्छे से इसके बॉटम में रखना है. सेकेंड पॉइंट देखिए, होल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन एंड प्लंज इट इनटू द टब ऑफ वाटर. उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ग्लास के बॉटम से आपको उसको पकड़ना है और उसको उल्टा करना है और क्या करना है, इसको फुल ऑफ वाटर, जो टब है और जो पानी से भरा हुआ है उसके अंदर आपको उसको डालना है बिल्कुल सीधा. ओके थर्ड पॉइंट देखिए, होल्ड द ग्लास अंडर वाटर फॉर अबाउट 10-15 सेकेंड्स. आपको उस वाटर के अंदर ग्लास को नियर अबाउट 10-15 सेकेंड्स तक रखना है. द वाटर विल राइज अ लिटिल इन द ग्लास बट विल नॉट रीच द पेपर टॉल. आप देखेंगे कि जो वाटर है हल्का सा उस ग्लास के अंदर जाएगा बट जो पेपर टॉल है उस तक नहीं पहुंचेगा. देन लिफ्ट आउट विदाउट टिल्टिंग. उसके बाद उसको बिना हिलाए उसको क्या करना है, ग्लास को बाहर निकालना है. पुल आउट द पेपर टॉल इज इट वेट टू ड्राई. उसके बाद पेपर टॉल को उसके बॉटम से आप बाहर निकालेंगे. आपको देखना है क्या पेपर टॉल जो है वो वेट हो गया, गीला हो गया या फिर ड्राई है, ये आप देखेंगे. देन आपको आंसर देना है कि ये वेट, गीला हो गया या फिर ड्राई है. अगर ड्राई है देन व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. इस अगर वह ड्राई है तो इसके पीछे क्या रीज़न है आपको बताना है. सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना है. और ये जो हमने आज पेज पढ़ा है, फीचर्स ऑफ एयर एंड यूजेज ऑफ एयर, इन पॉइंट्स की आपको घर पे रीडिंग लगानी है. नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.